झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों का नामांकन करने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हम आपको बताते चले कि रांची विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम की प्रत्याशी महुआ माझी ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ जो है कई नेता मौजूद थे, और वहीं नामांकन करने के बाद महुआ माझी ने कहा है कि इस बार जो है रांची विधानसभा क्षेत्र में बदलाव लाना चाहती है, यानी बड़ी बात कहते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो सुनाते हैं कि महुआ माझी ने क्या कुछ कहा है। पिछली बार 5,000 कम था, लेकिन इस बार तो मैं 50,000 वोट से जीतने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जनता का पूरा भरोसा है मुझ पर और हमारी पार्टी पर, महागठबंधन पर, और जनता चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि पिछले 30 साल तक उन्होंने यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर भरोसा किया था। 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है इस शहर को सुंदर बनाने का, लेकिन दिनों दिन आप देखेंगे कि कैसी बारिश में शहर की क्या स्थिति होती है, नाली गली कचरा गंदगी मच्छर, इस तरह से एक राजधानी नहीं होता। हमें राजधानी को राजधानी बनाना है और एक मेट्रो सिटी के रूप में उसे हम लोग देखना चाहते हैं, जनता भी देखना चाहती है। मेरा एजेंडा यही है कि जनता को तमाम समस्याओं से निजात दिलाना, उनको एक अच्छे शहर का सुख देना ताकि उनकी जिंदगी आराम से गुजरे। और अभी अभी फ्लाईओवर माननीय हेमंत सोरेन जी ने दिया है रांची को, कितने कम समय में। हम लोग चाहेंगे कि और भी ऐसी चीज़ें लगातार बने, और यहाँ जो एजुकेशन के लिए जो संस्थाएं हैं, जिस तरह के यहाँ पे सरकारी भवन वगैरह हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम अधूरा पड़ा हुआ है उन्हें पूरा करना है, और कला साहित्य संस्कृति शिक्षा से लेकर तमाम क्षेत्रों में काम करना है, क्योंकि मुझे अनुभव है। मैं खुद एक साहित्यकार हूँ, मैं खुद एक संस्कृति कर्मी हूँ, मैं एक विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ, इसलिए महिलाओं के लिए क्या अच्छा है बुरा है मुझे वो भी पता है। मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी से ही एमए पीएचडी नेट सब मैंने किया है, तो अलग अलग फील्ड का मुझे बहुत नॉलेज है। पॉलिटिशियन तो हूँ ही, और मुझे अनुभव है, क्योंकि देश विदेश में विभिन्न बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, तो वो सब कुछ मैं लाकर अपने शहर को अच्छा शहर बनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं जनता से बस अपील करती हूँ कि आप लोग एक बार हम पर भरोसा करिए, हमारी पार्टी और महागठबंधन पर भरोसा कीजिए, मौका दीजिए, 13 तारीख को सुबह सुबह निकल कर आप लोग वोट कीजिए, ताकि मैं आऊँ और आपकी सेवा कर सकूँ। आज नामांकन करने के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब बदलाव देखना चाहती है, बदलाव लाना चाहती है, लोगों और जनता के बीच जाकर जो है उन्हें अपने कार्यों से अवगत कराना चाहती है, यानी उन्होंने एक साफ तौर पर एक संदेश देने का काम किया कि वो रांची विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर वो प्रतिनिधित्व करती है, चुन कर आती है, तो बहुत कुछ कार्य करेंगी और एक परिवर्तन लाने का काम करेंगी और विकास का कार्य भी करेंगी। देखते रहिए जीएन भारत, रांची से मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।